हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अमित सर में। आज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाएंगे जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आपके एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे वो नीट का हो, जेई का हो, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज बिल्कुल टाइम लॉस न करते हुए मेरे साथ कुछ समय तक बने रहिए। आज हम आपको बिल्कुल ईजी वे में समझाएंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखिएगा कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग क्या है, ट्रांसफार्मर किस बेस पे कार्य करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ हम लोग, इसका फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो सब कुछ हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल ध्यान से मेरे साथ कुछ समय तक बने रहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर देखिए, ये है ट्रांसफार्मर। पहली बात ध्यान दीजिएगा कि ट्रांसफार्मर ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो ट्रांसमिट करता है या जो कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में। ट्रांसफार्मर क्या करता है, यह ऐसा डिवाइस होता है कि जो ट्रांसमिट करता है हाई को लो में, लो को हाई में। देखिए इसका अगर हम देखे जाए तो ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस। क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू कन्वर्ट क्या कन्वर्ट करता है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, वाइस वर्सा का मतलब क्या, सेम वही लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में। यह है ट्रांसफार्मर। यह क्या है, ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, टू लो वोल्टेज और लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, यह होता है आपका ट्रांसफार्मर। एक बात और सुनिए ध्यान से, ये ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना हो, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना हो, तो कैसा कैसा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, कैसा कैसा स्टेप अप कि स्टेप डाउन, ये ध्यान सुनिएगा मेरे साथ। देखिए ध्यान से, यह है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर यह क्या है, ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, एक का नाम होता है स्टेप अप और एक का नाम होता है स्टेप डाउन। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, एक का नाम होता है स्टेप अप और एक का नाम होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप इसके नाम से क्लियर है, स्टेप अप क्या करता है, ये वोल्टेज को बढ़ाता है और ये क्या करता है, ये वोल्टेज को कम करता है। स्टेप डाउन वोल्टेज को कम करता है। एक बात बताओ, यह है आपका कोई मान लो प्राइमरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है, यहां देखिए इसे कहते हैं इनपुट और इसे कहते हैं आउटपुट, ठीक है। यह है आपका इनपुट, यह है आपका आउटपुट। तो जितना आप इनपुट देंगे ना, उतना ही आपको आउटपुट मिलने वाला है। जितना आप इनपुट देंगे उतना ही आपको क्या मिलने वाला है, आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। तो इनपुट क्या है आपका, जितना यहां से पावर देंगे वही पावर यहां आपको मिलेगा, 100% है। जितना पावर आप यहां से देंगे वही पावर यहां मिलने वाला है। इसका मतलब कि पी आई इक्वल टू पी ओ भी कह सकते हैं, पी आई इक्वल टू पी ओ भी कह सकते हैं। और आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा ही होगा कि पी वन आई आई इक्वल टू पी आई का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए वी आई आई आई, यहां पे वी ओ आई ओ हो गया। तो वी आई
इसको नीचे कर लो, वी ओ इक्वल टू आई ओ अपान आई आई। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है, आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि जो वोल्टेज है और करंट है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो वोल्टेज और करंट है एक दूसरे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये देखिए, प्राइमरी वोल्टेज प्राइमरी करंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि जब वोल्टेज होगा वो करंट के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट क्लियर कि वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी तुरंत। और यहां पे वोल्टेज कम है तो करंट क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा हो जाएगा। दैट्स योर, यह है क्लियर। यह ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर ऐसा डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में। ये करता है ट्रांसफार्मर, देयर आर टू टाइप्स, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। एक होता है आपका ये वोल्टेज बढ़ाता है, ये वोल्टेज को कम करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां बनता है आपका, एक क्वेश्चन आपसे यहां पूछा जाता है कि किस ट्रांसफार्मर में करंट ज्यादा होता है, करंट की वैल्यू बढ़ती है किस में, स्टेप अप में, स्टेप डाउन में। आप क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन में। स्टेप डाउन में क्या होता है, करंट बढ़ाया जाता है, बढ़ता है, और स्टेप अप में क्या होता है, करंट घटता है। क्योंकि आपने देखा वोल्टेज और करंट के बीच में जो रेशियो होता है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक को बढ़ाने पर दूसरा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप नोट करिए। अब ये बताएंगे इसका प्रिंसिपल क्या है। अब देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है, अब हम बात करेंगे कि इसका प्रिंसिपल किस पर यह वर्क करता है। ध्यान से देखिए, किस पर वर्क करता है प्रिंसिपल। और एग्जाम में एक क्वेश्चन तो यहां से मस्ट बनता है, एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से मस्ट बनता है, प्रिंसिपल ये किस पर वर्क करता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ट्रांसफार्मर किस बेस पर वर्क करता है, तो ट्रांसफार्मर जो होता है ना ये म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के बेस पे वर्क करता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, आपने पहले टॉपिक अगर पढ़े होंगे, ठीक है, तो वहां पे म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से, ये सब आपने वहां पे क्लियर पढ़ा होगा पीछे। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए प्राइमरी कॉइल है, सपोज करिए ये प्राइमरी कॉइल है और ये आपका सेकेंडरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, अगर इसके अंदर किसी प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा या इसके अंदर किसी प्रकार का चेंजिंग होगा प्राइमरी कॉइल के अंदर, तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूज ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, सेकेंडरी में इंड्यूज ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। यही होता है म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब इनके थ्रू ये वर्क करते हैं, काम करना चाहिए इनको, ये कुछ नहीं, ये बिल्कुल सेल्फ है, ये काम करेगा, इसमें जो भी डिस्टरबेंस होगा इसके थ्रू ये वर्क करना शुरू कर देगा, इसलिए ये होता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन एक के रुकने पर या एक में किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो सेकेंड वाला डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाता है, इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन पर आपका डिपेंड होता है कौन, ट्रांसफार्मर। अब एक बात बताओ, ट्रांसफार्मर का हम लोग देखेंगे इसकी वर्किंग क्या है, इसकी क्या है वर्किंग क्या है, ध्यान से आप देखिए इसकी वर्किंग को, वर्किंग देखिए, ये देखिए कुछ ऐसे शेप का होता है, इसी में हम लोग अब क्लियर करेंगे पूरा आपको, कुछ इस शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, और ये ऐसे होता है, ठीक, और बीच में ये बना होता है आपका, बीच में ये बना होता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर इसका, सर आवाज कम कर दे, ये होता है। अब एक बात बताइए, यहां पतला पतला ये इस पर कोटेड किया जाता है, पतला पतला फोल्ड करके बनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर से लेपिंग किया जाती है, ये सब सॉफ्ट आयरन का कोर होता है, क्या होता है, ये सॉफ्ट आयरन का कोर है,
कोर, ये सॉफ्ट आयरन का कोर होता है, ये सब कुछ कोर होता है। और यहां पे ये प्राइमरी और ये ऐसे बना होता है, ये ऐसे लगा होता है क्वाइल, ठीक है, क्वाइल यहां भी लगाते हैं, यहां भी लगाते हैं क्वाइल, क्या लगाते हैं, यहां भी क्वाइल। बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल होता है, ज्यादा इसमें बहुत तामझाम नहीं करना है, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखेंगे ना समझ में आ जाएगा। देखिए ऐसे बना होता है, यहां देखिएगा ये, यहां पे जो करंट, ये दो आपका वाल्व लगे होते हैं, इसे कहते हैं प्राइमरी पी आई, इसे कहते हैं सेकेंडरी पी एस, प्राइमरी क्वाइल और सेकेंडरी क्वाइल। इसमें से जो करंट फ्लो होगा उसे कहेंगे क्या, आई, ठीक है, आई पी, और यहां जो ब्रिज होगा इसे कहेंगे आई एस। बिल्कुल ध्यान समझिए, आई पी एंड आई एस। इसमें जो वोल्टेज निकलेगा यहां से, उसको हम नोट करेंगे ई पी से, और यहां से जो वोल्टेज निकलेगा इसको डिनोट करेंगे हम लोग ई एस से, वोल्टेज को, ठीक। दूसरी बात, कितने नंबर ऑफ टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म को दिखाएंगे एन पी से, और यहां दिखाएंगे एन एस से। ये होता है टोटल स्ट्रक्चर होता है इसका, ट्रांसफार्मर का, ये ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर होता है। सॉफ्ट आयरन का कोर क्यों लगाते हैं, क्योंकि कोई भी लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पास हो रही है तो ये क्या करता है, चिपका रहता है, चिपक के पकड़ा रहता है, इसको बाहर नहीं जाने देता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर ही यूज करते हैं। ये क्या करता है, किसी भी फील्ड लाइंस को, जो भी फील्ड लाइंस अगर अंदर आएंगी, इसको पकड़े रहेगा, इसको बाहर नहीं जाने देगा, इसलिए हम लोग सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं, ठीक। तो दो तीन क्वेश्चन आपका बनेगा, प्राइमरी क्वाइल सेकेंडरी क्वाइल क्या होता है, ठीक है, फिर आपसे किस पर, किस बेस पे वर्क करता है, तो आप कहेंगे सर ये तो म्यूचुअल इंडक्शन के बेस पे वर्क करता है। फिर क्वेश्चन बनेगा आपका कि इसमें नंबर ऑफ टर्म किधर ज्यादा लगाएंगे, प्राइमरी में लगाएंगे, सेकेंडरी में लगाएंगे, तो वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जिधर वोल्टेज ज्यादा होगा, वोल्टेज की वैल्यू जिधर ज्यादा होगी, नंबर ऑफ क्वाइल उधर ज्यादा होगा। तो एक बात बताओ, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन में आपने देखा होगा कि स्टेप अप में वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा थी, तो जब वोल्टेज वैल्यू ज्यादा थी तो हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ क्वाइल ज्यादा उधर ही यूज करेंगे जहां पे वोल्टेज की वैल्यू आपकी ज्यादा रहेगी। चलिए अब देखा जाए कि एक बात बताओ, ये तो हो गया, जो भी करंट प्राइमरी से निकलेगा मस्ट है कि वो सेकेंडरी में एंट्री करेगा, ये आपका इनपुट है या आपका आउटपुट है। सपोज करो अगर आप इसको इनपुट मान रहे हो, ये बन जाएगा आपका आउटपुट, मतलब करंट आपका इनपुट से एंट्री करेगा और आउटपुट से ही निकलेगा। तो जितना करंट इनपुट में देंगे उतना ही करंट आपके आउटपुट में जाएगा। इसका मतलब कि पावर ऑफ आई जो होगा वो पावर ऑफ ओ के बराबर होगा। पावर ऑफ आई किसके बराबर होगा, पावर ऑफ ओ के। अब पावर ऑफ आई क्या है, देखिए फार्मूला क्या होता है, तो आपने कहा सर क्या होता है फार्मूला, पी इक्वल टू क्या होता है, वी आई, तो इसे कहेंगे वी पी आई पी, और इसे क्या बोलेंगे आउटपुट के लिए, इसे कहेंगे सर वी एस और आई एस, आई एस, आई एस। तो वी पी अपान इसमें जो भेज दीजिए, वी एस इक्वल टू हो जाएगा आपका आई एस अपान आई पी। ये हुआ फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, हम इसको मान लें ये ट्रांसफार्मर कैसा है, आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ही हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कोई भी ट्रांसफार्मर वैसे तो आइडियल होता नहीं है, लेकिन अगर हम आइडियल के बेस पर बना के मानेंगे तो ये फार्मूला आएगा क्या आपका, वी पी अपान वी एस इक्वल टू आई एस अपान आई पी। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक बात बताओ कि जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगा, जब यहां से करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो मैग्नेटिक लाइन बनेगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा ना वो राइट हैंड थम्स यूज करें लगाएंगे, राइट हैंड थम्स से याद करते हैं, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए राइट हैंड थम रूल इस्तेमाल करते हैं, और ये होता है ध्यान दीजिएगा। तो करंट यहां से निकलेगा, फिर लाइन निकलेगी और ऐसे घूमते घूमते भैया यहां चले आएगी, यहां से निकलेगी
और ये घूमते घूमते ऐसे आएंगे। इसका डायरेक्शन क्या होगा? डाउन डायरेक्शन में। तो इसी के थ्रू पूरे पूरे सर्किट में सेकेंडरी वाले पार्ट में इंड्यूज ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और इंड्यूज ईएमएफ ज्ञात करने के लिए आपने फैराडे का नियम पढ़ा होगा। तो फैराडे का नियम आपने क्या पढ़ा होगा? आपने ही पढ़ा फैराडे का नियम ना, क्या कि E इज प्रोपोर्शनल टू या E इक्वल टू आपने पढ़ा होगा माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। बताइए फैराडे का नियम आपने ही पढ़ा ना कि E इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। अब बताओ अगर हम इसको प्राइमरी वाले में इस्तेमाल करें तो हो जाएगा आपका ई पी इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। अगर इसको हम सेकेंडरी वाले में यूज करें तो हो जाएगा ई एस इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, जब दोनों को डिवाइड करेंगे ई पी अपॉन ई एस इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका एन सी एन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका एन पी बन जाएगा और यहाँ पे एन एस। ये कैंसिल होने के बाद क्या बनेगा आपका? ये बनेगा आपका एन पी अपॉन एन एस, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर टू। अब एक बात बताओ फ्रॉम वन और फ्रॉम टू, देखिए फ्रॉम वन यहाँ पे हमने जो वी इस्तेमाल किया हुआ है वी न लिखकर हम इसको लिख सकते हैं क्या ई पी अपॉन क्या ई एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ई पी अपॉन ई एस इक्वल टू आई एस अपॉन आई पी। अब दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू। अब यहां से एक रेशियो निकल के आएगा, यहां से क्या निकल के आएगा? एक रेशियो निकल के आएगा क्या ई पी अपॉन ई एस इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस इक्वल टू आई एस अपॉन आई पी, ठीक। यहां से एक रेशियो निकल के आएगा और इसे कहते हैं ट्रांसफार्म रेशियो। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं ट्रांसफार्म रेशियो। बात समझ में आई? इसे कहते हैं ट्रांसफार्म रेशियो, ठीक। यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में एन ई पी अपॉन ई एस इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस इक्वल टू आई एस अपॉन आई पी। इसको नोट करिए।